Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. So, today I am going to explain you chapter 3rd in English grammar. So, please pay attention. And before starting the chapter, I am going to give you a small introduction regarding chapter. And one more thing which I want to tell you. कि हमने इंग्लिश लिटरेचर यानी स्मार्ट इंग्लिश में चैप्टर फ़र्स्ट चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड कंप्लीट कर लिया है और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और जिसने नहीं किए हैं वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करके ले लें ठीक है ना अब वन मंथ पहले का अगर आप मुझसे मांगोगे तो मैं मुझे भी तो हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है हुँ? और अगर कोई नहीं देता है तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी नेक्स्ट अब हम चैप्टर पे आ जाते हैं स्क्रीन पे देखिए आज मैंने स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया है क्या लिखा हुआ है दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी ये एक एग्जाम्पल है अब इसमें हम सबसे पहले आते हैं स्टोरी पर स्टोरी स्टोरी कैसी है शॉर्ट स्टोरी इज अ है ना तो स्टोरी की स्पेशलिटी क्या है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो शॉर्ट है नेक्स्ट एग्जांपल दे आर नाइस पीपल हैंड राइटिंग थोड़ी सी इसमें अटपटी सी आ रही है मुझे भी लग रही है बट हमको तो एग्जाम्पल पर ध्यान देना है दे आर नाइस पीपल सो पीपल कैसे हैं नाइस पीपल नाउन है सो वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ पीपल नाइस ओके आप नाउन की जो स्पेशलिटी बता रहे हैं उन वर्ड्स पे ध्यान देना ओके नेक्स्ट ही इज अ गुड डॉक्टर सो डॉक्टर साहब कैसे हैं गुड डॉक्टर इज नाउन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एन थिंग सो वॉट इज द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर गुड गुड हैं वो अच्छे इंसान हैं ओके okay. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है इट इज अ गोल्डन रिंग रिंग कैसी है गोल्डन सो रिंग इज नाउन एंड वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ रिंग इट इज अ गोल्डन सो जो हमने ये वर्ड्स लिखे हैं ठीक है ना शॉर्ट नाइस गुड फिर से लिख रही हूं शॉर्ट नाइस यहाँ है अरे क्या है ओके okay. उसके बाद में गुड गोल्डन सो ये जो वर्ड्स हैं जो नाउन की स्पेशलिटी को क्वालिटी को शो कर रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं डू यू नो यस सभी को पता है वैसे तो एडजेक्टिव्स क्या कहेंगे हम इन्हें एडजैक्टिवस सो एडजैक्टिव्स के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे और समझेंगे देर आर सो मैनी एक्सरसाइजिस उसमें से इम्पोर्टेंट करवाऊँगी तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है न कि वॉट आर एडजैक्टिवस एंड एडजैक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन दैट इट क्वालिफाइज है न इट टेल्स एस द क्वालिटी क्वान्टिटी नंबर है ना तो ये जो एडजेक्टिव है वो स्पेशली नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं ठीक है जैसे लार्ज स्मॉल इसी अगर अगर हम नंबर ऑफ़ क्वालिटी पे जाएं तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे मच फ्यू ये भी में आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है जब मैं काइंडस ऑफ एडजेक्टिव आपको एक्सप्लेन करूँगी तब इनके बारे में बताऊँगी सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में समझेंगे सबसे फर्स्ट में जो अभी हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले समझेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देर आर फ्यू काइंड ऑफ एडजैक्टिव्स जैसे हमने काइंड ऑफ नाउन के बारे में भी पढ़ा है ना काइंडस ऑफ सेंटेंस के बारे में भी रीड किया समझा वैसे ही काइंडस ऑफ एड्जैक्टिव के बारे में भी हम समझेंगे उसमें सबसे पहले हम समझेंगे एड्जैक्टिव ऑफ क्वालिटी अब एड्जैक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है जो नाउन की क्वालिटी को शो करे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं जो मैंने अभी सारे एग्जाम्पल्स दिए थे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही तो थे है ना ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं फॉर एग्जाम्पल रेड फ्रॉक तो इस फ्रॉक की क्वालिटी क्या है रेड तो वैसे तो ये एडजेक्टिव हुआ और अगर हम कहें कि काइंड्स ऑफ एड्जैक्टिव में ये कौन सा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ैम्पल्स हैं जिसके बारे में आ, आप देख सकते हो बुक के अंदर एग्ज़ैम्पल्स हैं बहुत सारे ठीक है गुड डॉक्टर ठीक है अब जैसे शाइनी नेकलेस ओके तो नेकलेस कैसा है शाइनी तो नेकलेस की क्वालिटी कैसी है कि वो कैसा है शाइनी तो अगर हम कहें कि इसमें एडजेक्टिव क्या है तो शाइनी और ये किस कौन से टाइप का है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वन मोर एग्जाम्पल ब्लू ओशन सो वी नो दैट इट इज़ नाउन एंड वाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट नाउन मीन्स ओशियन इट इज ब्ल्यू सो इट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव एंड विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ओके आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे कि वॉट इज़ एन एड्जैक्टिव और जो एड्जैक्टिव जो होते हैं उनकी टाइप्स में हमने सबसे पहला वाला टाइप जो है वो स्टडी किया है या वो हमने आ, मैंने जो पढ़ाया है वो है एड्जैक्टिव ऑफ क्वालिटी सो वॉट इज़ एन एड्जैक्टिव एन एड्जैक्टिव Tells us more about किसके बारे में बताता है ये More about the noun. अब noun के बारे में ज्यादा क्या बताएगा उसकी स्पेशलिटी जो show करेगा वही इसकी definition आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो ठीक है ना An adjective is a word which shows the quality of noun. के सम एग्जाम्पल्स आर ही रिगार्डिंग एक्सैक्टिव यू हैव टू क्रॉस एक्सरसाइज नंबर ए एंड यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर बी अंडरलाइन द एजेक्टिव इन दिस सेंटेंसेज फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल दे रखा है दट हाउस वॉज ग्लूमी सो हाउस कैसा था ग्लूमी तो उसके ऊपर अंडरलाइन करना है आई एडवाइज यू टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर तो आपको इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है नाउन ठीक है और नाउन को फाइंड आउट करोगे तो उसकी क्वालिटी क्या है वो अपने आप, आपको पता चलाएगी जैसे डॉक्टर तो डॉक्टर जो है उसके लिए क्या क्वालि उसकी क्वालिटी को कैसे शो किया गया है गुड तो उसके ऊपर अंडरलाइन करोगे कैन वी बाय सम शाइनी नेकलिस टुडे सो इसमें नाउन क्या है नेकलिस और नेकलिस को कैसा कैसे मतलब उसकी क्वालिटी बताई गई है शाइनी ये एग्जाम्पल्स मैंने इसी में से लिए थे जब आपको एक्सप्लेन किए थे ताकि आप करो तो आप, आपको समझ में आ जाए दिस गोल्डन रिंग इज स्मॉल फॉर माई लिटिल फिंगर अब देखिए यहाँ पर आ, रिंग है वो कैसी है गोल्डन और फिंगर कैसी है लिटिल तो आप गोल्डन और लिटिल पे अंडरलाइन कर सकते हो सो दीज आर एक्जैक्टिवज़ इसी तरह से आपको फिफ्थ भी करना है सिक्सथ सेवेंथ अपवेंथ यू हैव टू डू एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क टू मी आई एक्सप्लेन यू हियर नंबर फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर सिक्स इनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ लेना एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बता दिए हैं ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर डी रीड ईच सेंटेंस एंड डू एज शोन इन एग्जाम्पल अब देखो आप एग्जाम्पल देख के तो आप कर लोगे आई नो लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है मोस्टली क्या होता है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है लेकिन कभी कभी या एडजेक्टिव को हम वर्क के बाद में भी लिख सकते हैं वी कैन ऑल्सो प्लेस द एडजेक्टिव आफ्टर दर्ब वर्ब वर्ब के बाद में भी हम एडजेक्टिव को प्लेस कर सकते हैं है ना एक्चुअली हमने देखा है कि एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस राइट नेक्स्ट टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स है ना बट समटाइम्स वी कैन प्लेस द एडजेक्टिव आफ्टर द वर्ब ऑल्सो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर दिस इज अ हॉन्टेड हाउस सो अब हमारे को इसमें जो ये हाउस है ये नाउन है और इससे पहले हॉन्टेड क्या है एडजेक्टिव सो so जस्ट नाउन से पहले अब इसको हम वर्ब के बाद लिखते हैं कैसे लिखेंगे दैट हाउस इज़ हॉन्टेड तो इज़ एक वर्ब है ऑक्जलरी ठीक है इसी तरह से फर्स्ट वाला आपको करना है दिस इज अ न्यू एम्प्लॉय तो क्या होगा दिस दिस के बाद में एम्प्लॉय आ जाएगा फिर इज़ न्यू दिस एम्प्लॉय इज़ न्यू सो न्यू इज़ एन एडजेक्टिव इसलिए और इसमें वर्ब क्या है इज़ सो दिस एम्प्लॉय इज़ न्यू इसी तरह से सेकेंड वाला दीज आर शॉर्ट स्टोरीज अब इसमें नाउन क्या है स्टोरीज और एडजेक्टिव क्या है शॉर्ट हर एक के अंदर आपको ये तो पहचान ही पड़ेगा अब इसको हम वर्क के बाद कैसे प्लेस करेंगे सो so, सबसे पहले हम दीज स्टोरीज आर शॉर्ट ठीक है इसमें वर्ब क्या है आर ऐसे ही आपको करना है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये मैं एक्सरसाइज इसलिए एक्सप्लेन कर लूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर आपको दे देती हूँ तो आप बहुत सारे तो कर लेते हैं बहुत सारे करते ही नहीं हैं तो मैंने ये टू एक्सरसाइज यहीं पर एक्सप्लेन कर दी है वीडियो के साथ में और होप आपको समझ में आ जाएगी नेक्स्ट हम और करेंगे एक्सरसाइज बहुत सारी है और अब मैं जितनी भी एक्सरसाइज है मैं एक्सप्लेन करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी तो जब कभी भी आपका मन चाहे आप वहाँ से देख लें उसे समझ के और करने की कोशिश करें ओके एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम